तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से एक बढ़िया थंबनेल, अब बढ़िया YouTube वीडियो का थंबनेल कैसे बनाओगे। वीडियो का थंबनेल बनाने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उस थंबनेल को HD क्वालिटी में कैसे डाउनलोड करोगे। और ये जो अपना थंबनेल बनाना है वो आपको बनाना है पिक्सल लैब की मदद से। पिक्सल लैब आपको जो है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सिंपली ओपन करना है पिक्सल लैब ऐप। पिक्सल लैब अपने ओपन कर लिया है ना, तो गाइज देखिए पहले मैंने कुछ किया था लेकिन अब मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे अपने यूट्यूब थंबनेल कैसे एडिट या कैसे बनाता हूँ, है ना। तो आपको सिंपली जाना है इस पर, पिक्सल लैब ऐप ओपन करना है ना। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सीधा इमेज साइज पर। इमेज साइज पर जाने के बाद ये इस एरो पे निशान पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे आएगा, देखिए बीच में यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है ना गाइस। यूट्यूब थंबनेल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ये आपका यूट्यूब थंबनेल में हो गया कन्वर्ट। अगर आप यहाँ से कोई भी मतलब कि बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए गाइस यहाँ से अपन चेंज भी कर सकते हैं। वो पहले आप चेक कर लेना भाई आपको कौन सा चाहिए, उसके बाद ये आप अपने इमेज साइज को करना, क्योंकि ये बाद में वही हो जाता है, इमेज साइज दोबारा से सेट करना पड़ेगा। और चलते हैं दोबारा से सेट कर लेते हैं और हो गया गाइस। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इसकी ह्यू बढ़ा देते हैं ना, इसके थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, इतना बहुत है मेरे लिए। और इसके बाद आपको मैंने तो थोड़ा सा लिया था, अभी स्क्रीन शॉट लिया था ताकि मैं अपनी इस वीडियो का थंबनेल मैं बना रहा हूँ। तो देखिए कैसे बना लेता हूँ मैं इसको। आपको पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी, यहाँ से अपन अपने कोई भी फोटो है जो वो अपने ले सकते हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ, देखिए मैंने स्क्रीन शॉट लिया था यूट्यूब का, है ना। तो देख लो, मैं इसमें ये दिखाऊंगा कि हम कैसे अपना जो है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएंगे। इसमें ये दिखाने के लिए मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में भी, और उनको पढ़ना ना पड़े कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनको देख के समझ आ जाए कि ये किस बारे में है वीडियो, है ना। उसके बाद फ्रॉम गैलरी से अपने को एक और चीज़ चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़, यहाँ पे कोई भी आपका फोटो ना मिले तो आप सीधा 3 डॉट पे, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो इधर से देखिए मैंने एरो भी डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये वाला एरो PNG। अब अपन इस एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये देता है एरो लेकिन इसमें एरो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है PNG। और अब इसको थोड़ा सा लेते हैं छोटा, ये देखिए ये, अब और छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। इधर लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको जो है थंबनेल, ये जो मैंने स्क्रीन शॉट है इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद ये यहाँ से हिलेगा नहीं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये बनाने के, जो थंबनेल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और अपन थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है जी भाई, अब इस पे लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और वापस आ जाना और यहाँ पे डबल टैप कर देना, यानी कि टेक्स्ट आपको ये मैं बता देता हूँ ये कैसे ऐड करते हैं। पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया, टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और ये यहाँ पे ऊपर ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो आपको यहाँ पे लिखने की अनुमति मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या लिखना चाहते हो। तो मैं लिख लेता हूँ, सिंपली हिंदी के अंदर लिखूँगा भाई, कि पहले तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, है ना, जो इंग्लिश वाले पहले उनको समझ आ जाए। हाउ टू मेक ए मैं कितना लिख लिया गाइस। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इधर से ये कर देते हैं। थंबनेल ये अपने पहले ही इसको थंबनेल तक ही कर देते हैं गाइस, क्योंकि वो लंबा ज़्यादा हो रहा है इसलिए। ये लीजिए और तो मेक थंबनेल, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ये है, अपने को कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो है थंबनेल के साथ मैच नहीं कर रहा है ना। तो थोड़ा सा अपने को करना है येलो, देख लेते हैं येलो कैसा लगेगा इस पर, अच्छा लग रहा है ना गाइस, ठीक है। और अब इसको अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड का ना थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ये देखिए गाइस अच्छा लग रहा है। अब ठीक है, हाउ टू मेक थंबनेल, है
है ना। अब इस पर दोबारा से इसको भी लॉक कर देना गाइस, ये अपनी जगह से लेना, ये लीजिए। लॉक करने के बाद गाइस आपको दोबारा से जाना प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, इस पर डबल टैप कीजिए, इस पर लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, ओके करने के बाद थोड़ा सा बड़ा आप यहाँ पे, यहाँ से अपने इधर साइड से थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर आ गया, ये रहा फॉन्ट, फॉन्ट वाले ऑप्शन से जो भी आपको चाहे वो आप चेंज कर सकते हो ना गाइस। ये ऊपर भी दिखाएगा आपको कैसे चेंज करना है, कैसे दिखेगा ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको कर देते हैं थोड़ा सा रेड, इसका कलर अपने करते हैं रेड, गाइस रेड करके देख सकते हैं। रेड नहीं, दो रेड करके देखते हैं कैसा लगेगा। गाइज आपको देखना पड़ेगा किस तरह, किस तरीके से ये मैच कर रहा है, और उससे उस अकॉर्डिंग आपको ये थंबनेल बनाना पड़ेगा, है ना गाइज, जिससे कि ये थंबनेल इतना अच्छा बने ताकि लोग इस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं, है ना। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें अपने को ऐसा रेड कलर में ऐसा लग रहा है भाई, हाँ कुछ तो बढ़िया इसमें हाईलाइट हो गया रेड कलर से, और येलो कलर से भी हाईलाइट हो गया कि क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपने HD, अब हिंदी में लिख देता हूँ पहले तो मैं, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए, क्योंकि कई लोगों से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, तो हिंदी में ले लेता हूँ। तो हिंदी में लिख लेने के लिए अपने को चाहिए क्या कुछ है कि मोबाइल, थोड़ा लिखना पड़ेगा तो अभी इधर भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, बीच में। इस तरह से मैं एरो को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए गाइस, इसको दोबारा से लॉक कर देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को भी लॉक कर देते हैं, बाकी रह गया ये मोबाइल वाला। अब मोबाइल वाले पे क्लिक करके अपने को कर देना है, इसको देख लेते हैं इसका कलर या फॉन्ट देख लेते हैं, पहले फॉन्ट को देख लेता हूँ कैसा लगेगा। फॉन्ट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं गई, हाँ ये फॉन्ट को पूछ रहा हूँ ना, ये ठीक है। इसमें आपको उसके बाद जाना है कलर पे, कलर पे क्लिक करने के बाद आपको देख लेना है कौन सा अच्छा लगेगा, रेड तो हुआ बड़ा पहले ही, है ना, ब्लैक करके देख लेते हैं, नहीं येलो करना पड़ेगा भाई, येलो ही करना पड़ेगा। इसके बाद इसका ये कर देते हैं ऑन, ठीक है गाइस। ऑन करने के बाद जो मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, है ना, थंबनेल ये हो गया। उसके बाद जाना पड़ेगा अपने को दोबारा से टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं इन हिंदी, ये इंग्लिश में लिख देते हैं इन हिंदी। आपको कैपिटल पहला अक्षर हमेशा बड़ा डालना है, उसके बाद छोटा डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी। ओके गाइस, ओके करने के बाद आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, नहीं तो आपको जैसे ठीक लगे वैसा रख लेना, इसको रेड कर देना है ना। रेड करने के बाद फिर लास्ट में आएगा शेडो, ऑन कर दो, ठीक है, शेडो ब्लैक कलर की रखो, ठीक है गाइस, ऊपर चट्टी थोड़ी सी रखो, इसको बड़ा कर, अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो गाइज। और मैं इतने ही सिंपल तरीके से बता दिया है गाइज आपको कैसा आपको थंबनेल बनाना चाहिए, इस तरीके से थंबनेल बनाओगे कि अगले को पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी, है ना, और ये लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि वीडियो किस बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और एडिटिंग कर ली है, एडिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको अगर HD में थंबनेल को डाउनलोड करना है ना गाइस, तो इसको आप JPNG को जगह आपको PNG सेट कर लेना है। PNG सेट करने के बाद सेव टू गैलरी, है ना, ये अपना बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी में ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको ऐड को स्किप कर देना है, देखिए भाई आपको मैं दिखा देता हूँ गैलरी में, है ना, ये होगा एल्बम में, ये रहा गाइस पूरा HD क्वालिटी में थंबनेल डाउनलोड हो चुका है अपना, देखिए भाई
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप अप टू डेट नहीं रह पाओगे, अप टू डेट नहीं रह पाओगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक